पिछले कुछ दिनों में हमने इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड, इंडियन प्लेयर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आते देख लिए। ईशान किशन की रिपोर्ट हमने देख ली, हमने सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इश्यूज देख लिए, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से लीग्स का डोमिनेशन हो रहा है वो देख लिया। इस सब से कहीं ना कहीं एक थॉट आ रहा है दिमाग में, एंड अगेन बहुत ज़्यादा हेल्प लगी है आप लोगों की इस वीडियो के साथ। द थॉट इज, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत लंबे टाइम तक इस फॉर्मेट में जो अभी हम जानते हैं उसमें नहीं टिकने वाला? इस पूरे जो टॉपिक है, जो पूरा एक छोटा सा कंसर्न है, उसका सबसे पहला जो एक थॉट है, एंड प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीचे इसके साथ साथ। द फर्स्ट थिंग इज, जो लीग पॉपअप हो रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने अभी रिसेंटली देखा साउथ अफ्रीका में जो उनका SA T20 लीग है, जो भी SA20 लीग है, उसको कराने के लिए साउथ अफ्रीका की जो नेशनल टीम की टेस्ट सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम ने टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना था न्यूजीलैंड में, वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सी टीम भेजी है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि बाकी सारे टॉप प्लेयर्स उन्हें SA20 में चाहिए थे। एंड बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को, पर एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर, साउथ अफ्रीका बोर्ड लिटरली एक ऐसे क्रॉस रोड पे है जहाँ पे अगर वो अपनी T20 लीग सक्सेसफुली नहीं चला पाए तो उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, एंड उस वजह से कहीं ना कहीं एक मजबूरी कह लो, एक स्मार्ट डिसीजन कह लो कि नहीं यार अभी के लिए लीग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं फिर देखते हैं। बट ये जो थॉट प्रोसेस है कि अभी के लिए लीग को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, वेयर डज दैट एंड? इसके अलावा आप अगर देखो तो अभी करंटली बिग बैश हो गया, ILT20 जो चल रहा है UAE साइड वो हो गया, आपका बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हो गया, श्रीलंका में एक लीग चलती है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, IPL तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी लीग है, एंड ये एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। अभी ILT20 ख़त्म हुआ है, उसके अगले दिन बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। सो व्हाट डज दैट टेल अस? आप अगर देखो लीग की ही बात करो, अगर USA तक में लीग स्टार्ट है अभी एक T20, USA में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजलिस में 2028 में, उसमें T20 को भी इंक्लूड किया गया है, T20 क्रिकेट को, कहीं ना कहीं वो मार्केट भी टारगेट की जा रही है, एंड काफ़ी सैचुरेटेड मार्केट है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स अगर देखा जाए तो। ऑलरेडी वहाँ पे लोगों के जो बने हुए हैं कि हाँ एक सुपर बोल और ये और वो, उसमें भी पेनिट्रेशन की शुरुआत हो रही है, एंड क्या शुरुआत हो रही है? T20 लीग्स के साथ। तो कहीं ना कहीं आई नो प्लेयर्स का एक प्राइड हमेशा अटैच होता है अपने देश के लिए खेलने में, पर आज की डेट में कितने प्लेयर्स हैं और कितने प्लेयर्स को एक्चुअली चांसेस मिलते हैं अपने अपने देश के लिए खेलने के लिए? इज़ इट कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर देम टू बी लाइक, नहीं मेरा एक छोटा लिमिटेड करियर स्पैन है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एनी स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे अगर अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी रखनी है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स, एंड जहाँ पर मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी दिख रही है उस तरफ अट्रैक्ट होना क्या 100% गलत है? प्लीज़ कॉमेंट। यहीं पर प्लेयर्स फोकस इज अनदर थिंग ऑलमोस्ट, एंड मैं यहाँ पे इंडिया के ज़्यादा एग्जांपल की बात करता हूँ, बिकॉज इंडिया एट प्रेजेंट सबसे बड़ा क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेटर्स प्रोड्यूसिंग नेशन है, क्रिकेट एक एक्चुअल अलग ही कल्ट यहाँ चल रहा है जो बाकी जगह नहीं है। बाय द वे इंडिया की अगर बात करें तो जो मैंने शुरू में बात करी थी, ईशान किशन साउथ अफ्रीका सीरीज़ के टाइम पर ये रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने ब्रेक मांगा है बिकॉज ऑफ हिज व्हाटएवर पर्सनल रीजंस, मेंटल हेल्थ रीजंस, व्हाटएवर, फाइन, कंप्लीटली ओके। उसके बाद ये वो चाहिए, राहुल द्रविड़ साहब ने बाहर आके बोला कि नहीं, वी विल कंसिडर हिम अगेन फॉर सिलेक्शन, बट उन्हें कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, रणजी चल रहा था उन्होंने अभी तक, ईशान किशन ने बाय द वे इस सीज़न में झारखंड के लिए कोई भी रणजी मैच नहीं खेला है। उसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं कि जी ईशान किशन पांड्या ब्रदर्स के साथ, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, वो लोग भी रणजी वगैरह नहीं खेल रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, उनके साथ ट्रेन कर रहे हैं, IPL की तैयारी कर रहे हैं, रणजी नहीं खेल रहे हैं अभी। एंड और भी कुछ कुछ प्लेयर्स की रिपोर्ट्स आई हैं कि ऑलरेडी IPL के मोड में हैं वो लोग, IPL की तैयारी में लगे हुए हैं, रणजी नहीं खेल रहे हैं, एंड इस वजह से
अगेन मैं सारे रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। इस वजह से ये रिपोर्ट्स आती हैं कि BCCI ये कंसिडर कर रहा है कि एकदम मैंडेटरी कर दे अब से, IPL जब भी शुरू होगा 21 मार्च के आसपास, तब तक प्लेयर्स को मैंडेटरी है कि कम से कम 3-4 रणजी मैचेस आपको खेलने हैं। ऐसे में आप अगर एक स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आपको एक इतना हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको एक इतना मैंडेटरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें एक शिफ्ट हो रही हैं। स्पेशली अगर आप देखो, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम उनको एक उधर की तरफ लुक्रेटिव ज़्यादा लग रहा है, आप अगर सिलेक्शन के इश्यूज देखो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इतने सारे प्लेयर्स हुए हैं पिछले कुछ टाइम में ही जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद सेलेक्ट नहीं हुए इंडियन टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे क्रिकेट के लिए, इन सब के लिए। पर IPL में जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर गए, जो प्लेयर्स IPL में थोड़ा सा अटेंशन ले गए एंड फिर उसके बाद ठीक ठाक परफॉर्म कर गए फर्स्ट क्लास में, रणजी वगैरह में, उन लोगों का सिलेक्शन का पाथ ज़्यादा क्लियर हो गया है। ये हमने बहुत एग्जांपल्स में देख लिया है। सरफराज खान इतने पिछले 3-4 सीजन से बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, रणजी जो पूरा सीजन चल रहा है पिछले 3-4 सीजन से खतरनाक परफॉर्मेंस आ रही है उनकी। अब जाके फाइनली इंजरीज की वजह से वो एक्चुअली टीम में आए हैं, स्क्वाड में आए हैं, टीम में अभी भी उनकी 100% सर्टिनिटी नहीं है, जबकि कोई भी सीनियर बैट्समैन अवेलेबल नहीं है अभी। अगर आप देखो अगला जो टेस्ट मैच है एंड अगले 3 जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके लिए टीम अनाउंस हो गई है। विराट कोहली साहब ने बोल दिया है कि नहीं, अभी कुछ और टाइम लगेगा मुझे टू रिकवर फ्रॉम द पर्सनल रीजन, जो भी हैं, नो पॉइंट इन स्पेक्यूलेटिंग दैट। ओके, KL राहुल फिर से इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज ही वॉजन्ट, ऑब्वियसली ही वॉजन्ट परफॉर्मिंग अप टू वॉट इज रिक्वायर्ड इन दैट मिडल ऑर्डर। इन सब के बावजूद अभी भी कोई 100% सर्टिनिटी नहीं है कि सरफराज खान अगला टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ एक वो भी आ रहा है थॉट प्रोसेस कि यार देवदत्त पाटिकल, जिनको KL राहुल की जगह इंक्लूड किया गया है, वो शायद इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ और अगेंस्ट और ज़्यादा इफेक्टिव हो तो वो भी कंसिडर हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिसिल्यूजनमेंट नहीं होगा प्लेयर को कि यार क्या फ़ायदा है फिर, शुड आई नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर IPL मोर एंड देन लेट्स सी वेयर द करियर टेक्स अस। मैं क्यों बनूं, मैं क्यों अपना पूरा सीजन घिसूं लिटरली ऐसी कंडीशंस में खेलूं जहां पे नॉट द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज अवेलेबल, जबकि वो 2 महीने का पीरियड ज़्यादा वेटेज रखता है। जैसे हमारे स्कूल में और कॉलेजेस में मार्क्स होते थे, इंटरनल्स के, एक्सटर्नल्स के, सबके अपने अपने वेटेज होते थे, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि IPL का वेटेज ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड कंसिडरेशन फॉर द नेशनल टीम। अपने हमने देखा अभी सूर्य कुमार यादव किस बेसिस पे आए थे टेस्ट क्रिकेट में, किस बेसिस पे वनडे क्रिकेट टीम में आ गए थे किसी को नहीं पता। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बाबा इंद्रजीत हो गए, सौरव कुमार हो गए, उसके अलावा आपके राइट नाउ चेतेश्वर पुजारा हो गए जो अच्छा कर रहे हैं, फिर से ड्रॉप होने के बाद भी वो लगे हुए हैं। ये सारे प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं रणजी में, कहीं ना कहीं डिसिल्यूशनमेंट तो होना लाजमी है कि यार क्या फ़ायदा है, मैं क्यों घिसूँ जबकि वो 2 महीने ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा क्यों ना करूं। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ध्रुव जुरेल जो अभी स्क्वाड में है, नॉट डिस्प्यूटिंग हिज सिलेक्शन, बट ध्रुव जुरेल का फर्स्ट क्लास करियर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक एक तो रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले उन्होंने अभी तक, ही इज़ वेरी यंग। ये कंसिडरेशन आ रहा है कि शायद थर्ड टेस्ट मैच में, बिकॉज KS भारत बैटिंग से उतना ज़्यादा नहीं कर पाए हैं पहले 2 टेस्ट मैचेस में, ध्रुव जुरेल को खिलाया जाएगा। KS भारत एक विकेट कीपर बैट्समैन है, एक विकेट कीपर बैटर का रोल सिर्फ बैटिंग फॉर्म पे अगर जज करने शुरू कर दिया जाए, स्पेशली इंडियन कंडीशंस के टेस्ट मैचेस में, तो दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन राइट नाउ। विकेट कीपिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी करी है उन्होंने विकेट कीपिंग पहले 2 टेस्ट मैचेस में। अगर आप एक ऑलराउंडर की तरह देखो, क्योंकि ये पोजीशन एक ऑलराउंडर की गिनी जानी चाहिए, क्योंकि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद 2 डेफिनेट स्किल्स,
अगर आपका एक स्किल उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है पर आपका जो दूसरा स्किल है वो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो शुड दैट नॉट बी अ लार्जर कंसिडरेशन? आपको थोड़ा सा लंबा रोप नहीं मिलना चाहिए? ये पूरा जो एक सिस्टम बन गया है अभी, एंड दैट इज अ बिग इशू विद इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। इस वजह से हम कहीं ना कहीं लोगों को देखेंगे अलग अलग लीग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए। अभी इंडियन क्रिकेट में इंडियन क्रिकेटर्स को बाहर की मेंस क्रिकेटर्स को, फीमेल क्रिकेटर्स हमारी खेलती हैं अलग अलग लीग्स, मेंस क्रिकेटर्स को अलाउड नहीं है अलग अलग लीग्स खेलना फॉर कि हाँ चलो हमें प्रोटेक्ट करनी है अपनी ब्रांडिंग और ये सब। ठीक, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आबादी यार 150 करोड़ तो लोग हैं हम लोग, बहुत सारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होते हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसे प्लेयर्स आने निकलेंगे जो आपको लगेगा कि यार टैलेंटेड है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए टैलेंटेड है, बट उसको चांसेस ऑब्वियसली कितने को ही मिल जाएंगे चांसेस, तो वो बोल देगा कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए IPL, नहीं चाहिए BCCI से कॉन्ट्रैक्ट, आई विल प्ले एल्सवेयर, आई विल प्ले इन मल्टीपल लीग्स। हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया है, नॉट एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल एक ऑलरेडी देख चुके हैं हम, उन्मुख चंद, जो शायद 2012 में U19 वर्ल्ड कप जीते थे एज कैप्टन, उसके बाद उनका बहुत अच्छा रन नहीं रहा डोमेस्टिक में भी, जब भी चांसेस मिले उन्हें IPL वगैरह में भी, इवेंचुअली वो मूव कर गए हैं, अब वो US में खेल रहे हैं क्रिकेट, और उनकी उम्मीद ये है कि USA जो नेशनल टीम बनेगी, अभी T20 वर्ल्ड कप USA में होना है, वहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियसली क्वालिफाइड हैं वो, USA की जो नेशनल टीम बनेगी तो उसमें चांसेस हैं कि उन्मुख चंद खेलेंगे। तो ये रूट अगर और लोगों ने लेना शुरू कर दिया, इनफैक्ट लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, सिंगापुर चले जाते हैं लोग, UAE चले जाते हैं लोग, UAE की टीम मैक्सिमम इंडिया और पाकिस्तान से बनी हुई है, एंड दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट बाय द वे। तो दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट, क्योंकि आप अगर देखो तो धीरे धीरे करके अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग मार्केट्स के लीग्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, IPL टीम्स जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट है, SA20 लीग के ऑलमोस्ट सारे IPL ओनर्स हैं, US में जो लीग है MLC उसके सारे IPL ओनर्स हैं, 100 जो अभी इंग्लैंड में एक लीग होती है 200 करके, जो 100 बॉल टूर्नामेंट है, T20 भी नहीं है टेक्निकली वो, उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं जो शुरू करने वाले थे IPL को ललित मोदी, जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं भारत देश में, एंड N श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर, वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एंड IPL के कुछ और फ्रेंचाइज ओनर्स भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 100 में। बेसिकली आपको हाउ द मनी इज मूविंग टूवर्ड्स दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेटर होगा ज़रूर से। आप मुझे बताओ कि अगर इसी तरह से सिलेक्शन जो चलता रहेगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये 12, 15, 20 लोगों के बाहर के जो प्लेयर्स हैं टैलेंटेड इनफ बट नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़, क्या उनका इवेंचुअली उस तरफ इंटरेस्ट नहीं जागेगा कि यार इधर मेरी ज़्यादा सिक्योरिटी है एट द वेरी लीस्ट, वाई शुड आई नॉट गो देयर? अब आते हैं लास्ट जो कंसर्न है, एंड दिस इज समथिंग जो आप मेरे को प्लीज़ ज़रूर से कॉमेंट्स में बताना वेदर दिस इज समथिंग यू हैव ऑल्सो फेल्ट। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल होता है, उसके बाद हम ऑलमोस्ट सारे ही एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जहां पे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़े टाइम बाद हमें थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू होता है वापस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब क्रिकेट देखने के शौकीन हैं। एट प्रेजेंट अगर इंटरेस्ट इन क्रिकेट की बात करूं अराउंड द वर्ल्ड, वो हो रहा है ड्विंडल, वो कम हो रहा है, आपके जो बड़े मार्केट्स होते थे उनमें भी कम हो रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में पिछले कुछ 8-10 साल में ड्रॉप होते होते जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं वहाँ के, उनका अगर देखो इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा स्पोर्ट वो टेकअप करना चाह रहे हैं, कौन से स्पोर्ट में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ज़्यादा, तो क्रिकेट 10वें नंबर पर आ गया है। इंग्लैंड में
ये वाला जो ये जो मेट्रिक है कि यूथ टेकिंग अप अ सर्टन स्पोर्ट, उसमें क्रिकेट की अगर बात करो तो कुछ 40-50% का रिडक्शन हो गया है पिछले 8-10 साल में। तो एट प्रेजेंट क्रिकेट सेकेंड मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट है पूरे दुनिया में, फुटबॉल के बाद सबसे, मतलब सेकेंड सबसे ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं। पर ये नंबर लिटरली सब कॉन्टिनेंट से आ रहा है, भारत देश में, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इवन यहाँ पे मेजर क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंस है। इसके बाहर क्रिकेट वॉचिंग ऑडियंस एक्चुअली स्टेडिली डिक्लाइन कर रही है। दैट इज समथिंग जो एक बड़ा कंसर्न होने वाला है मे बी इन अनदर 5-6 ईयर्स। स्पेशली आप अगर क्रिकेट को देखो, इकलौता स्पोर्ट है जो 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में चल रहा है। सो सबको अलग अलग फॉर्मेट्स की अलग अलग ऑडियंस ऑलरेडी एक डीमार्केट हो गई है। टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज कौन इन्वेस्ट कर रहा है 5 दिन। हमारे अटेंशन स्पैन इतने हैं कि हम एक 30 सेकंड की रील, 30 का 35 सेकंड हो जाए तो हम बोर हो जाते हैं। हम 5 दिन एक पूरा इन्वेस्ट करके टेस्ट क्रिकेट में कितने लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये एक बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है। टेस्ट क्रिकेट अगर आज की डेट में देखो तो जो एक्चुअल व्यूअरशिप नंबर्स आ रहे हैं, ऑडियंस नंबर्स भी आ रहे हैं ग्राउंड वगैरह पे, वो मे बी टॉप 3-4 के जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, टॉप लेट्स से इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मे बी सम एक्सटेंड न्यूजीलैंड, इन लोगों के जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें आ रहे हैं नंबर्स। वो भी कम आ रहे हैं ऑब्वियसली, पर आ रहे हैं ठीक ठाक। इनके बाहर जो हैं, जो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं टीम्स, किसी को नहीं पता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि नहीं ये करना होगा, वो करना होगा, पिंक बॉल भी कर लो, बड़ी टीम छोटी टीम्स के साथ खेलें। एक बहुत हार्ड इंट्रोस्पेक्शन, एक बहुत हार्ड थॉट आने वाला है, डिस्कशन आ जाएगा और 4-5 साल में मैक्सिमम, कि यार कितने फॉर्मेट सस्टेनेबल हैं। अगर तो आपको क्रिकेट को बढ़ाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट को नहीं बढ़ा पाएगा अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई एम सॉरी टू साउंड ये ऐसा बिल्कुल नेगेटिव एंड ऑल, बट टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट की एक्सपेंशन के लिए नहीं है। इवन वन डे क्रिकेट नहीं है, पूरा दिन कोई मैच नहीं देख रहा बैठ के। T20 क्रिकेट लीग ज़्यादातर इस चीज़ में ज़्यादा हेल्प कर रही हैं क्रिकेट के एक्सपेंशन में, अलग अलग टेरिटरीज में एंटर कर रही हैं। तो हाउ डू वी थिंक दैट तीनों फॉर्मेट सर्वाइव कर जाएंगे इतना लंबे टाइम तक? द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा इन लोगों को। आप अगर देखो 8-10 टीम्स हैं जो फुल टाइम मेंबर्स हैं, उसके बाद की सारे एसोसिएट नेशंस हैं। एसोसिएट नेशंस बेचारे जब आते हैं, जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ICC इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें आते हैं, कुछ कुछ अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। अभी वर्ल्ड कप में एसोसिएट नेशंस ने अच्छा परफॉर्म किया था। एक बहुत बड़ी एक डिबेट हुई थी कि यार इनको भी और क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके बेचारे सारे क्रिकेटर्स पार्ट टाइमर्स हैं, कहीं कहीं जॉब करते हैं फिर क्रिकेट खेलते हैं आके। डू वी रियली थिंक एसोसिएट नेशंस को अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है क्रिकेट के उसमें, तो टेस्ट क्रिकेट विल बी द वे टू गो? एंड डू वी रियली थिंक अगर एसोसिएट नेशंस के क्रिकेटर्स को और ज़्यादा एम्पावर करना है तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ द आंसर राइट नाउ? जो हमें दिख रहे हैं कैलेंडर्स, हमें सब ने देखा है, अगर कोई बड़ी टीम एक एसोसिएट नेशन के साथ कोई सीरीज रखती भी है तो उसमें उस बड़ी टीम की फर्स्ट टीम, सेकेंड टीम भी नहीं जाती है, थर्ड टीम ही जाती है ऑलमोस्ट। ऐसे में वाई शुड दोज प्लेयर्स नॉट ग्रेविटेट टूवर्ड्स डिफरेंट लीग्स? एंड वाई शुड, जस्ट एक कंसिडर करने की बात, बताना मुझे अगर मैं गलत हूँ, क्या चीज रोक रही है क्रिकेट को एक फुटबॉल वाले रूट पे जाने से, जहाँ पे बीच बीच में इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे, बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, एंड उसके बीच में लीग्स ही खेलेंगे प्लेयर्स? हमारे हिसाब से वो क्यों नहीं होगा, नीचे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि समहाउ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हम वहीं जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं विद द एडवेंट ऑफ लीग्स 1, जो एक प्लेयर्स का थोड़ा सा डिसिल्यूजनमेंट हो रहा है, 2,
एंड जो एक इंटरेस्ट ड्विंडल हो रहा है स्पेशली जो बायलैटरल सीरीज है. हमने मुझे नहीं याद इंडिया ने लास्ट कब खेली थी एक ट्राई सीरीज जहाँ पे एक से ज़्यादा टीम के अगेंस्ट हम मैचेस देख रहे थे. ट्राई सीरीज बंद हो गई हैं. इंडिया ने ऑलरेडी ICC टूर्नामेंट जीतना छोड़ दिया है. हमारा अंडर 19 टीम भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई. ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं क्या ही एक वो लगा हुआ है हमारा. क्यों नहीं ज़्यादा फोकस रहे लीग्स पे जब हमें पता है IPL की रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है व्यूअरशिप रेटिंग एज कम्पेयर टू एनी बायलैटरल सीरीज थ्रू आउट द ईयर. तो वॉट इज स्टॉपिंग दैट होल सिस्टम बीइंग इन प्लेस कि लीग्स खेलो लीग्स खेलो लीग्स खेलो, प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे उन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, फिर साल में या दो साल में या जब भी एक बड़ा ICC इवेंट हो जाएगा. लेट्स अगेन सोचने वाली बात है बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम इतने सारे फॉर्मेट्स, इतने सारे प्लेयर्स, इतने धीरे धीरे पर श्योरली कम होता हुआ इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं तो फिक्स करना पड़ेगा. आप बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे थॉट प्रोसेस के बारे में, इस छोटे से कंसर्न के बारे में नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर मुझे. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एंड ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है इस चैनल का कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.